अगर इज्जत और वक्त मांगने पर मिले तो मत लो, ठीक रहेगा। तुम्हें चाहने वाला तुमसे पहले की तरह बात ना करे, तुम्हें बार बार इग्नोर करे, तो पता है क्या करना है। आप कुछ दिनों के लिए उसे कॉल और मैसेज बिल्कुल मत कीजिए, फिर आप ये देखिए वह अपनी तरफ से आपसे बात करने की कितनी कोशिश कर रहा है। अगर वह इंसान तुम्हें सच में प्यार करता है तो तुम्हारे कॉल ना करने पर वह तुम्हें कॉल ज़रूर करेगा। वैसे एक बात बताऊं, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से जाने देना ही अच्छा है जो रुकने की कोशिश ही ना करे। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मैं उसी इंसान से प्यार करता हूँ, मुझे वही अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए, तो सुनो, ज़बरदस्ती से आप उस इंसान को तो हासिल कर सकते हैं लेकिन प्यार नहीं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो इंसान हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकता, उसके पीछे भागना प्यार नहीं बेवकूफ़ी है। एक बात कहूँ, ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एटीट्यूड किस इंसान में होता है पता है? जिस इंसान को एक पल में सब ने छोड़ दिया हो और फिर उसने जीना सीख लिया हो, क्योंकि उसके बाद उसकी लाइफ में कोई रहे या ना रहे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। ज़िंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखें जिसने आपको ये तीन भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर दूसरे लोगों के हाथों में है। कोशिश करें ये डोर आपके हाथ में ही रहे। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए तो एक बात कहूँ, आप खामोशी से उसकी ज़िंदगी से ही दूर चले जाना। दूसरों की गलतियों से सीख लें, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वह गलतियाँ कर कर के सीखे। तन्हा रहना नज़रअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। दुख भोगने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नजर आए तो मान लीजिए कि आप एक सफल इंसान हैं। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वे ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। दुर्बलता जानने से पहले शत्रु पर प्रहार करना मूर्खता है, क्योंकि अगर शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली हुआ तो वह तुम्हें अवश्य ही नष्ट कर देगा। ज़िंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी ज़िंदगी मत खोना। आप थोड़ा वक्त अकेले रहना सीखोगे तो आपको सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराए, हर बात की पहचान हो जाएगी। कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन वह ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल हज़ार बार चीखे तो उसे चिल्लाने दो, जो आपका नहीं उसे जाने दो। कुछ लोग ज़िंदगी होते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी में होते हैं, और कुछ लोग से ज़िंदगी होती है, और कुछ लोग होते हैं
तो ही जिंदगी होती है। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है, जिसे अकेले में रो रो कर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जो इंसान मन की तकलीफ को नहीं बता पाता, उसे ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप भले ही उसे माफ़ कर दो, लेकिन आप उस इंसान को दूसरा मौका बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपने उसे दूसरा मौका दिया तो समझ लो आपने उसे चाकू दे दिया, जिसे देखकर आप कहते हैं कि पहली बार में जो कमी रह गई थी वह अब पूरी कर लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है वह इंसान आपका है, तो इतना याद रखें, अगर वह इंसान आपका होता तो आपके साथ कभी गलत नहीं करता, या गलत करने से पहले ये ज़रूर सोचता कि आपके दिल पर क्या बीतेगी, कितने दर्द से गुजरेंगे आप। या इसीलिए याद रखें, दूसरा मौका देना कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है हमारे लिए। मोहब्बत पर सही पहचान इज्जत है। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता, वह कभी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। धोखा भी बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अकल आती है। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है, वह तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है।